मित्रों, आज बात करेंगे खरपतवार एक औषधि, वीड एज ए मेडिसिन। चिटचिटा का ये एनुअल इरेक्ट हर्ब है, अमेरिन्थेसी कुल का है, एकायरिन्थस एस्पेरा के नाम से जाना जाता है। इसके विभिन्न प्लांट पार्ट यूज़ किए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसके सिंपल लीव्स होते हैं और विभिन्न प्लांट पार्ट के अंदर अलग अलग केमिकल कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं। इसके बीज के अंदर सेपोनिन्स और ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिनोलिक एसिड पाया जाता है। इसकी रूट के अंदर स्टिग्मास्टिरोल और मेजिलिनिक एसिड पाया जाता है। फ्रूट के अंदर सेपोनिन्स पाए जाते हैं और जो लीव्स हैं इसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, बीटा कैरोटीन और विटामिन सी। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रीकर्सर मेटाबोलाइट होता है, ये भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। कुछ ज़रूरी जो गुण हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले इसकी जो संपूर्ण प्लांट की जो राख है उसको हमें बनाकर मधु के साथ अगर सेवन करते हैं तो यह जुकाम और खांसी की समस्या का निवारण करता है। अगर उसी राख से हम क्षार बना लें और 2 ग्राम क्षार शीतल जल के साथ दें तो पित्ताशय की पथरी का साधारण तरीके से लेने से एक तो उसको धीरे धीरे कम करता है और उसके साइज को बढ़ने से रोकता है। सिर का अगर सूल हो तो इसके बीजों का चूर्ण तिल के तेल में डालकर सिद्ध कर लेना चाहिए और उसका मालिश करना चाहिए। रक्त का अगर समस्या हो, किसी व्रण से रक्त बह रहा हो और उसमें हीलिंग ना हो रही हो, तो इसका हमें पेस्ट बनाकर व्रण पर लगाना चाहिए। यह स्ट्रिप्टिक का कार्य करता है, रक्त का बहाव को रोकता है। नींद आने की समस्या हो तो इसका पंचांग बनाकर हमें पीना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है कि कांटा लग जाता है तो कांटा निकालने के लिए इसके पत्रों की पुल्टिस बांध देनी चाहिए, 2-3 दिन में कांटा अपने आप बाहर निकल जाता है। गंड की समस्या हो, गांठ बन जाती है तो इसके पत्तों की पुल्टिस बांध देनी चाहिए और 2-3 दिन में आप देखेंगे कि पस निकल जाती है, खराब जो खून है वो भी निकल जाता है और गंड की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। दांतों की समस्या है, चाहे पारिया है या हिले हुए दांत हैं, तो इसकी हमें दातुन कर सकते हैं, इसकी मूल की दातुन कर सकते हैं। अगर दातुन मूल अगर ना प्राप्त हो तो इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला भी कर सकते हैं। इसकी जो और जो मेटाबोलाइट इसके अंदर हैं वह रूमेटिज्म की समस्या हो और पाइल्स की समस्या हो उसमें भी निराकरण करने में सहायक हैं। इसके होल प्लांट को सुखा लीजिए राख बना के। जब ऐसा कर सकते हैं कि इसको सुखा कर रखे और इसका हम धूमन ले सकते हैं तो पाइल्स की समस्या साधारण रूप से ठीक हो जाती है। कई बार हाइड्रोफोबिया की समस्या होती है, हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर लगता है, तो ऐसे केसेस में भी इसके होल प्लांट का हमें डिकॉक्शन पीना चाहिए, हाइड्रोफोबिया की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। एब्डोमिनल या कोलिक, कोई पुराना इन्फेक्शन हो पेट का, कोई इंटेस्टाइन का, तो उसको भी यह दूर करता है। इस प्रकार से इसके विभिन्न प्लांट पार्ट कैसे कैसे औषधीय गुणों में आते हैं आपने देखा। फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, नए गुणों के साथ। आपके शंका समाधान हेतु आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम।